57 डिग्री, क्योंकि जयपुर का लैटीट्यूड है 27। अच्छा, हर जगह का लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक, तो ये कैसे देखते हैं टाइम अभी मालूम पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, ये 6 बॉक्स है यहाँ। 12 to 6 इवनिंग टाइम। अच्छा, और उधर देखो, उधर 6 to 12 मॉर्निंग। 6 to 12 मॉर्निंग। अभी शेडो कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है जी। और ये शेडो 10, 11, 12। तो 11 के पास आ गया, 11 में 5 मिनट्स कम है, तो 10:55 लोकल टाइम प्लस 24 ऐड करो तो IST टाइम आए, तो 11:19। लेकिन ये शेडो 12 के बाद इधर नहीं दिखेगा, किधर पर दिखेगा? ये पल्स है इधर की साइड, उधर, इधर मॉर्निंग, उधर इवनिंग। ये देखो, इधर सन का लाइट नहीं है। हाँ, इधर सन का लाइट नहीं है। सन का लाइट रहेगा 6 मंथ बाद। 6 मंथ बाद दक्षिणायन में आएगा। अच्छा, इधर सुबह से शाम तक सन का लाइट नहीं आएगा, 6 मंथ बाद आएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा पृथ्वी टिल्ट है। टिल्ट है, रिवॉल्विंग। सन तो जाता नहीं है, अर्थ टिल्ट होता है। क्या होता है? यूट्यूब पे डालते जी। तो यहाँ पूरे देश में घूमते हो या? जी, सब जगह घूमते पूरे देश। हाँ, एक अपनी 12 राशि होती है, 12 महीने होते हैं। अपनी राशि होती है 12। हाँ, तो ये महाराजा ने राशि देखने के लिए बनाया ये यंत्र। देखो, इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो नाम लिखा हुआ है जय प्रकाश यंत्र। इधर ना ही दिखाओ। जय मीन्स महाराजा जय सिंह, प्रकाश मीन्स लाइट नॉलेज, यंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट। जय यानी महाराजा जय सिंह। तो यहाँ कैसे देखते हैं राशिफल? शेडो से, तारों से एक प्लेट बंधा हुआ है, उसका शेडो। अभी यहाँ कहीं खाली जगह में है तो इधर आना थोड़ा। वहाँ भी आधा खाली जगह में है, आधा ऊपर। सही लगा हुआ ना? वो देखो रिंग लगा हुआ ना, उसका शेडो देखना आप। वो रहा शेडो। हाँ, वो दिखाया। और उस शेडो के पास छोटे छोटे नाम लिखे हुए हैं। ये शेडो होता है सन। हाँ, तो अभी सूर्य वहाँ पर लिखा हुआ है वृष राशि। वृष को इंग्लिश में बोलते हैं टॉरस। टॉरस, तो अभी सन की पोजीशन मूव हो रहा है टॉरस में। 12 महीने होते हैं, 12 राशि, 1 महीने 1 राशि, तो 21 अप्रैल से 21 मई तक टॉरस राशि। लेकिन ये दोनों यंत्र एक ही। इधर दिखाओ, दोनों दिखाओ। दोनों एक ही हैं। यहाँ का जो गैप है ना, खाली जगह वो वहाँ फिल है, वहाँ का गैप यहाँ फिल है। ऐसा इसलिए किया है, नीचे भी जा सकते हैं गैप में, ऊपर रास्ते हैं नीचे जाने के। अच्छा, अगर खाली जगह नहीं होता तो नीचे जाके राउंड मार नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, स्टडी नहीं कर सकते। सही है। अब हम इधर 12 राशि देखें। ये सब 12 राशियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर हम सबकी पोजीशन अलग अलग है। यहाँ 27 इस एंगल से हम एरिस का लकी स्टार देख सकते हैं। अच्छा, दीवार का जो शेडो आता है इसके हिसाब से यहाँ डिग्रियाँ देखते हैं। यहाँ टोटल डिग्रियों के मार्किंग लगे हुए हैं। ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। ये पूरा स्केल बना हुआ है, इस पे पूरा स्केल है टोटल। तो ये दीवाल का शेडो यहाँ रहा है, इसे डिग्री देख के फिर ज्योतिषी लोग नक्षत्र स्टार निकाल के कुंडली बनाते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ से जयपुर का बनेगा। अच्छा, अगर हमें यहीं से दिल्ली या टोंक या बॉम्बे का बनवाना है हॉरोस्कोप, तो उसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो सारा ये कैलकुलेशन हॉरोस्कोप के लिए, पंचांग के लिए। किसी बच्चे का पंचांग बनवाना है हॉरोस्कोप, तो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस। प्लेस, प्लेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लोकल टाइम बदल जाता है। अब हम चेक करेंगे बड़ी घड़ी, बिग सन डायल, वो दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक। अब ये देखो, ये बिग सन डायल है,
ये कैसे बताती है टाइम? जैसे छोटी घड़ी बता रही थी जी, वैसे सेम डिजाइन सेम है। इधर 6 से 12, उधर 12 से 6। अब ये टाइम कहाँ आ रहा है? यहाँ पर वो शेडो जहाँ पड़ रहा है वो टाइम आ रहा है, वो जो शेडो पड़ा हुआ ये दीवाल का। इसका एंगल भी 27 है, लेटिट्यूड 27, और शेडो के पास एक नंबर लिखा हुआ है छोटा 11, दूर से दिखता नहीं है। तो 11 हो गया लोकल टाइम, पास चलते हैं उधर, और 24 मिनट से ऐड करेंगे हाँ। तो IST टाइम। उधर देखो वहाँ शेडो के पास कॉर्नर पर देखो काला काला सा एक नाम नंबर लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ है, और उसके 4 मार्बल ऊपर देखो वो 10 लिखा हुआ है। तो ये 6 से 12 सुबह का टाइम, 12 से 6 शाम का टाइम। उधर उधर इधर मॉर्निंग, उधर इवनिंग, इधर मॉर्निंग और उधर वाली। तो 11:02 के करीब मुझे लग रहा है जयपुर का लोकल टाइम, लोकल टाइम, और प्लस 24 तो 11:26 देख लो टाइम, वही आ रहा होगा 11:26। लेकिन इस ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक है, इसका गिनीज बुक में नाम है, ऐसी घड़ी और कहीं नहीं है। 2 सेकंड एक्यूरेट है, यानी हर 2 सेकंड में शेडो आगे बढ़ता है। 300 ईयर्स ओल्ड, 2 सेकंड एक्यूरेट। ये सारा बाउंड्री वाल है डिजाइन के लिए। जंतर मंतर का देखने का मजा है दिन में सन की लाइट पर, नाइट में तो लाइट डाल के बताते थे, तो वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है सन की लाइट पर। ये महाराजा जयसिंह का बनाया हुआ है, उनका ज्योतिष में इंटरेस्ट था इसलिए बनवाया। अच्छा, ये इसका मैप है पूरा। बिग सन डायल का मॉडल है, टेस्टिंग, लेकिन है ये उसी वक्त का, ये अभी भी उसी वक्त का हाँ, है। सेम सारे जो मॉडल और मैं मॉडल बताऊंगा सेम उसी वक्त के हैं, टेस्टिंग के लिए बनाए थे। ये दोनों टेस्टिंग हैं, मॉडल हैं, ये दोनों वाले किन के? उन दोनों के उधर हैं, वहाँ चलेंगे हम। ये मॉडल है छोटी घड़ी का, तो यहाँ सारे यंत्रों के टेस्टिंग भी हैं। यहाँ देखो इन यंत्रों पर क्या करते हैं, इनका नाम है चक्र यंत्र, सर्कल चक्र यंत्र। यहाँ सन का झुकाव देखते हैं, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, झुकाव। सन क्यों झुकता है? सन तो झुकता नहीं है, पृथ्वी झुका हुआ है 23.5। तो आजकल कितने डिग्री पर है देखो, बीच में कुछ एंगल लगा दो, उसका शेडो यहाँ आ रहा है, तो ये 0 से इधर आ रहा है, 0 से 10-11 degrees। ये 23:30 पर यहाँ आएगा, विल बी हेयर शेडो 21 जून को, जब सन हाईएस्ट इधर रहेगा। 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन। और इधर ये शेडो इधर कब जाएगा? जब सन इधर आएगा मैक्सिमम, कब? 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन। तो 21 जून को इधर, 22 दिसंबर को इधर, ये शेडो बताती है। तो इससे ये मालूम पड़ जाता है सन कितने डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में है। आओ सर, राशियों वाला ये सेम है, वो वहाँ पर हमने 2 देखे थे ना जी, ये कम्बाइंड है, ये कम्बाइंड। अभी प्लेट का शेडो वहाँ पड़ रहा है जी, हाँ। और वहाँ लिखा हुआ है वृष कन्या, तो वृष हाँ, को ही बोलते हैं इंग्लिश में टॉरस। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये दोनों यंत्र एक ही हैं। ऑल्टीट्यूड, सन का एंगल, हाइट, हिंदी में बोलते हैं हाइट, ऑल्टीट्यूड ऊंचाई, जयपुर होराइजन से सन कितने डिग्री एंगल पर। अब हम जयपुर में खड़े हैं, अगर हम राजस्थान में होंगे, जयपुर में या दिल्ली में होंगे, तो सन का ऑल्टीट्यूड सीधा नहीं आता है, कभी सन सर के ऊपर नहीं आता, क्योंकि हम इक्वेटर पर नहीं हैं, इक्वेटर पर सन सीधा रहता है। तो यहाँ देखो एक ऑल्टीट्यूड कितना बन रहा है, कौन बताएगा? यहाँ ये पोल की शेडो, ये हाँ,
तो ये पोल की शेडो देखो लास्ट यहाँ एंड हो गया और यहाँ मार्किंग लगे हुए हैं 0 से 45। यहाँ ये हिंदी का नंबर है 40 और 45 से 45 वहाँ 90। तो अब कितना है 60, 65, 70। शेडो यहाँ पर है जी। तो 70, 71, 72, 73 डिग्री सन का एंगल बन रहा है। 73 डिग्री सन का एंगल 90 कभी नहीं बनता क्योंकि हम इक्वेटर पर नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ क्या होगा, ये शेडो गैप में आएगा ना नीचे, तो नीचे मार्किंग नहीं है, फिर ये यंत्र काम नहीं करेगा। ये काम नहीं करेगा। फिर कौन सा यंत्र काम करेगा, उधर वाला, इसका खाली जगह, वहाँ वहाँ का खाली जगह, ये वाला, इन दोनों का कम्बाइंड है। इसमें देखो नो एंट्री लिखा हुआ है, ये मॉडल टाइप है, ये मॉडल टाइप है, मॉडल। ये आपका जंतर मंतर है, महाराजा जयसिंह का बनाया हुआ है। ये वाला उत्तरायण वाला मॉडल है, जो 6-6 महीने का देखा था ना नॉर्थ साउथ, उसका मॉडल है। अभी सन का लाइट इधर ही पड़ रहा है, लेकिन आप, लेकिन आफ्टर 6 मंथ किधर पड़ेगा, उधर, लेकिन उधर का है नहीं, क्योंकि यहाँ एक साइड का ट्रायल है, फिर दोनों उधर फाइनल कर दिए। तो ये महाराजा जयसिंह का बनाया हुआ है 1728 का, ये नेचुरल पॉइंट है। आज भी सन की लाइट से एक्यूरेट काम करते हैं ये सारे यंत्र हैं, लेकिन महाराजा जयसिंह ने यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स की टीम लगाया, और एस्ट्रोलॉजर्स की टीम के लीडर कौन थे यहाँ पर, पंडित जगन्नाथ सम्राट। उनके नाम पर ही छोटी घड़ी और बड़ी घड़ी का नाम है। छोटी घड़ी का नाम है लघु सम्राट यंत्र, बड़ी घड़ी का नाम है वृहत सम्राट यंत्र। वृहत यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। तो ये नेचुरल पॉइंट है, सन की लाइट पर है, सारा कैलकुलेशन है नेचुरल पॉइंट, आज भी काम करता है। नेचुरल यानी क्यों, सन की लाइट पर, प्रैक्टिकल है।